नमस्कार मित्रों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज मैं थोड़ा होमवर्क ज्यादा दे रहा हूँ। होमवर्क में कुछ नहीं, इलस्ट्रेशन 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 तक है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। टेंशन मत लो। फिर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग मेथड का है और IMP भी है। ऐसे तो ये 9 स्टैंडर्ड में आपने किया है, ग्राफ में अच्छी तरह काम किया है इसमें आपने। रेडी? तो देखो, हाउस रेंट दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, फाइंड द मोड फॉर हाउस रेंट बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी है तो क्लास लेंथ फाइंड कर लो। 5 - 0 10 - 5 20 - 10 30 - 20 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। अभी देखो, ये फॉर्मूला है प्रोपोनेट फ्रीक्वेंसी। इसकी बात करें तो ये आपको यूज करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या है, 1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। एक जो देखो, पहले फ्रीक्वेंसी सबकी लिख दो, सब क्लास ऑफ क्लास लेंथ ऑफ क्लास इसका 5, इसका 10, मिनिमम क्लास लेंथ। मिनिमम सबसे क्लास लेंथ कौन सा है, मिनिमम फाइंड करो, मिनिमम क्लास लेंथ कौन सा है बताइए। 5 है। कैंसल, तो ये 1 आया, 7, 7, 8, 3। रेडी? इतना हो गया है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। रेडी? आगे बढ़ते हैं हम। अब ग्राफ की बात करें हम, रेडी? तो हमको क्या करना है यहां, x डैश y डैश। देखो, हाउस रेंट 0 से 5 यानी 50 तक, यहाँ 0 आएगा, 10, 20, 25, 35, 45, 45, फिर क्या है प्रोपोनेट फ्रीक्वेंसी। प्रोपोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां आएगा, फ्रीक्वेंसी 1 से 1। तो इसमें कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्केल, वन सेंटीमीटर। एक्स में कितना है, 5 यूनिट्स है, एक्स में 5 यूनिट है। देखो, वाई में कितना है, 1 यूनिट है। अब करना क्या है, देखो, देख ही सकते हो आप सब। सबसे पहला 1 है, 0 to 5 में 1 है। अबे 0 to जो 5 है वहां 1 है, तो वहां का करना है। रेडी? 5 to 10 में 7 है, 7 ये देखना है।
10 to 20 में पॉइंट 7 है, 10 to 20 में, 10 to 20 में भी 7 है, 20 to 30 इसमें 8 नहीं लिखने का, 20 to 30 कितना है, 8 है, 8 अभी नहीं लिखूंगा मैं, 8 यहां लिख देता हूं, 30 to 50 में 3 है, 30 to 50 में 3 है, 30 मेरे को मोड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसमें ही मैं ध्यान दूंगा, जो सबसे बड़ा है उसमें ही मैं ध्यान देने वाला हूं, सबसे पहले ये सिस्टम चेंज आपको स्केल से करना है, मैं तो अपना जगन्नाथ कर रहा हूँ, आपको स्केल से करना है इसी पे, सर आपने जैसे की हो तो, अरे भी मैंने यहाँ इतना बड़ा स्केल नहीं होता, रेवड़ी, अरे भगवान, रेडी, अप्रोक्सीमेट 20 के 22 आ रहा है, इसमें आंसर देख लेते हैं हम, इसमें 22 आ रहा है, यानी मेरा ये कंप्लीट नहीं होगा, ये 22 जैसा कुछ होगा, तो आपका जो मोड है, मैंने तो अप्रोक्सीमेट बोलूंगा, आपको सही आएगा, आपका जो आंसर है वो सही आने वाला है, आपका आंसर सही आने वाला है, उसका टेंशन मत लो, तो रेडी, सर हमने यही ग्राफ यही मेथड से क्यों किया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, पर देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, जो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का और 20 का, यानी कि डिसकंटिन्यू गैप है, इसलिए मैंने ग्राफ इसी तरह किया, आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, तब भी 9 स्टैंडर्ड में सर ने मैडम ने जो भी ले रहे थे उसको आपको समझाया होगा कि ग्राफ इसी तरह क्यों करते हैं, यही फॉर्मूला क्यों, हम डायरेक्ट क्यों, तो यहाँ जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती 0, 5, 5, 10, 10, 15 तो इस तो ये लेने की कोई जरूरत नहीं, बट डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, मीन्स डिसकंटिन्यू क्लास है, डिसकंटिन्यूस क्लास लेंथ है, इसलिए हम ये मेथड करते हैं, डाउट हो तो बोलना, 10 एग्जाम्पल है होमवर्क में, रेडी करने का ही है, और आप सब तो अच्छे बंदे हो, जय हिंद जय भारत।